Prime Minister Modi hailed the DDC polls in Jammu and Kashmir as historic and launched Ayushman Bharat scheme to extend health insurance benefits for all the residents of UT. Prime Minister has also lashed out at Rahul Gandhi and Mamata Banerjee. Here's a look. The agenda was Kashmir. Rollout of Ayushman Bharat scheme for all residents of the Union Territory. But it was the opposition which got an earful. Delhi mein kuch log. Attacking the Congress without naming it, he said some people offer him lessons in democracy, but they don't hold panchayat polls in Puducherry despite a Supreme Court order. Ye Jammu Kashmir dekhiye, UT banne ke itne kam samay mein tristariya panchayati raj vyavastha ko swikar karke kaam aage badhaya. Lekin dusri aur vidamna dekhiye, Puducherry mein पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और जो मुझे यहां रोज लोकतंत्र के पाठ पढ़ाते हैं ना उनकी पार्टी वहां राज कर रही है. दिस जाइब वॉज इन रिस्पॉन्स टू राहुल गांधी चार्ज दैट देयर वॉज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया. ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी ये मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है. डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है मगर रियलिटी में है नहीं. कठिनाइयों के बीच भी आफ्टर राहुल द प्राइम मिनिस्टर ट्रेन्ड हिज गन्स ऑन बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी असर्टिंग दैट द पीपल इन बंगाल आर डिप्राइव्ड ऑफ द सेंट्रल हेल्थ केयर स्कीम. आप मान लीजिए मुंबई गए हैं और अचानक जरूरत पड़ी तो ये कार्ड मुंबई में भी आपके काम आएगा. आप चेन्नई गए तो वहां भी काम आएगा. वहां के अस्पताल भी मुफ्त में आपकी सेवा करेगी. आप कोलकाता गए हैं तो वहां मुश्किल होगा क्योंकि वहां की सरकार आयुष्मान योजना से नहीं जुड़ी है. कुछ लोग होते हैं क्या करें. प्राइम मिनिस्टर मोदी हेल्ड द रिसेंटली कॉन्क्लूडेड डीडीसी पोल्स इन जम्मू एंड कश्मीर एज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर इंडिया एंड अश्योर्ड दैट सेंटर हैज अंडरटेकन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. आज जम्मू कश्मीर के लोगों का विकास हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है. हमारी सरकार राज्य की भलाई के लिए हर फैसले ले रही है. प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द स्कीम विल एक्सटेंड फाइनेंशियल कवर ऑफ अप टू ₹5 लाख पर फैमिली ऑन अ फ्लोटर बेसिस टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी. अभी तक आयुष्मान भारत योजना का लाभ राज्य के करीब 6 लाख परिवारों को मिल रहा था. अब सेहत योजना के बाद यही लाभ करीब करीब 21 लाख परिवारों को मिलेगा. द बेनिफिट्स ऑफ द सेहत स्कीम कैन बी अवेल्ड अक्रॉस द कंट्री. रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन अवेल बेनिफिट फ्रॉम दिस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इन हॉस्पिटल्स अक्रॉस द नेशन. विद इनपुट्स फ्रॉम सुनील भट्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टुडे. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.